गिर गया। क्यों छोटे बच्चे थोड़ी पीते, बड़े तू बनाते हैं उसके लिए उनका आतरे। ये बड़ा है या दूसरा दो बोलती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो चलो स्वागत करते हैं आप लोग को मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे बड़े लोगों को नमस्ते, छोटों को सारा प्यार। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो आप लोग को ये नया वाला लोकेशन देख के लग रहा होगा मैं कहाँ पहुँच गई, तो मैं बताती हूँ मैं आज कहाँ पहुँच गई हूँ। तो मैं आ गई हूँ आज अपने ननिहाल में। मेरा ननिहाल है तो गाँव में ही है, पर मेरे ननिहाल में जो मेरे मामा जी बुरो का जो दुकान है, जो मामा जी बुरो रहते हैं, वो नीचे रहते हैं पुआरी में, दाखो में। तो मैं आज आ गई हूँ दाखो। तो मैं आप लोग को यहाँ से लोकेशन दिखाती हूँ, पहले दाखो का देख सकते हैं सामने लोकेशन, कितना ब्यूटीफुल सुंदर लोकेशन है। ये देखो, यही मेरी सिस्टर, जो मैं ये मेरी सिस्टर है, तो मैं इसके घर आ रही हूँ आज, जा रही हूँ आज। तो हम दोनों साथ आए यहाँ तक। तो अब चलते हैं, मैं सीधा ले चलती हूँ आप लोगों को मेरे ननिहाल में, मेरे मापों में। हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मापो, और हिंदी में ननिहाल बोलते हैं। बाकी आप लोग के लैंग्वेज में जो भी बोलते होंगे बता देना मुझे। तो मैं चलती हूँ मापों में, अपने मापों, मामा जी वगैरह, मामी जी वगैरह, नानी जी वगैरह, सबसे मिलाऊँगी मैं आप लोगों को। और साथ में थोड़ा सा सरप्राइज है जो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, तो बने रहिए उसके लिए मेरे साथ। चलो चलते हैं, फिलहाल मिलती हूँ मैं। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ मैं अपने मापों में, और छोटी ने बनाया है टेस्टी कॉफ़ी। तो हम टेस्टी है कि नहीं? टेस्टी है। फिर हम पी रहे हैं यहाँ पे कॉफ़ी, साथ में हम यहाँ पे आ गए लैंडर के ऊपर ठंडी ठंडी हवा खाने। देखो यहाँ से सामने का लोकेशन कितना सुंदर दिख रहा है, ये देख सकते हैं। ये देखो सामने कितना सुंदर दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। सतलुज देखो जाने से। हाँ मैं आप लोगों को अभी आप बहुत हवा चल रही है। दाखों में क्योंकि सतलुज नज़दीक होने की वजह से बहुत ज़्यादा हवा चलती है यहाँ पे शाम के टाइम तो खासकर। तो मैं आप लोग को बैक कैमरा करके यहाँ का दिखाती हूँ लोकेशन में। बहुत सुंदर नीचे देखो सतलुज नदी बह रही है, कितना सुंदर है। और यहाँ पर के बगीचे, मेरे मापों वालों के बगीचे हैं ये, अभी सेब उतारे नहीं है। और ये हवा चल रही है, और ये सामने का व्यू, और ये सामने पुआरी गाँव जो मेरे गाँव सॉरी मेरे घर से दिखता है, और ऊपर सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँगी आप लोग, कितना सुंदर दिख रहा है। और ये आगे साइड, और मुझे बाद में जाना है वहाँ उस पर में। वहाँ पर मेरे बड़े मामा जी का घर है। हाँ वो मेरे बड़े मामा जी का घर है, तो मैं आपको थोड़ी देर में ले चलती हूँ वहाँ पे भी। दोस्तों आप दोनों पी लेते हैं पहले कॉफ़ी, और यहाँ पे आनंद, और उसके बाद यहाँ से अभी जा रही हूँ परे मेरे बड़े मामा जी के घर में। तो बड़े मामा जी तो है नहीं, तो भैया बरू के पास जा रही हूँ, भैया बगरू के पास, भैया मामी बरू के पास, बड़ी मामी बरू के पास। तो अभी मैं चलती हूँ आगे, तो मैं फ़िलहाल वहीं पहुँच गई हूँ। आप लोगों से पहले चल पड़ते हैं। तो फिर नमस्ते दीजिए। पता है कैमरा मैन शूट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, फिर बताइए दीजिए आप क्या कर रहे हैं? मैं पार्थिव के बर्थडे के लिए डेकोरेशन कर रही हूँ, पहले बर्थडे के लिए। पार्थिव का पहला बर्थडे दीदी तो बैलून के बीच में हो गई। बैलून लग गया। ये नानू दीदी ने कैसे पकड़ लिया है इसको, और मुंह छुपा रहे बड़े प्यार से। एक्शन सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे भाई। फूल पता नहीं मैं ऐसे लगा दिया, मैंने तो इतना आइडिया है नहीं डेकोरेशन का कोई। मैंने आप लोग एंट्री बनवाया है, वैसे एक्सपीरियंस होता है, मैं कुछ भी बना लेती हूं। यहां डालो कोने में। कौन है यहां? कौन है यहां? कौन बुआ है? हां
अब आ रहा है पूरा व्यू कैप्चर में भाई, बस दरवाजा बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए। लग तो सही रहा दरवाजा पार्थी के द्वार, भगवानों के पीछे नहीं होते। कौन सा रिंग्स ऑफ एनलाइटमेंट? मैं तो बोलता हूँ परम सिंहासन के चक, हाँ वैसी कुछ। चलो भाई ये पूरा प्लान है फिलहाल। यहाँ देखो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है नहीं हमारे पास, हमारे बिग बॉस के घर पे नहीं एंट्री हुई है, ये हमारा मेन सलमान भाई है हमारे। तो ये है हमारा क्यूट क्यूट 6 बजे बॉय, और साथ में है इसकी दीदी एनी। फोटो कौन ले रहा है? छोटी का फोटो कौन ले रहा है? खाने के क्या पे है? छोटी और ये खा रहे हैं। हेलो, हम खाएंगे। आप लोग खाएंगे? यहाँ पे इन्हें भी खा रही है केक। क्या हो गया? टाइट हो रहा है वो ड्रेस, पता है कितना छोटा है इनको। मैं 9 साल की है, 7 साल बोला था। 11 या 12 साल के बच्चों का। यहाँ पे हम सब बैठ के खा रहे हैं केक। मम्मी, छोटी मामी जी, बड़ी मामा जी, मम्मी जी और जुई सब सर्व कर रही है केक।
कर दिया था, और उसके बाद हम लोग कर दिया सारे डिनर की तैयारी। मैं काटती हूँ खीरा और सारे अपना मैं काम कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ज्यादा पक गया है सच में, अते बोल रहे थे ना। नीति का साथ में मेरी मदद करने के लिए। मैं कोई मदद नहीं कर रही हूँ आपका, मैं बीमार, सिर कट रहा है, बीमार हूँ मैं, कोई मदद नहीं कर रही हूँ आपका। मैं खिला पर खुद करो, इन्हें हाय करो तो हाय करो ना। मुझे पानी पीना है। नानू तो ऐसे डर रही है, पता नहीं। यहाँ पे मेरी बहनें बना रही है चपातियाँ, है ना बहनें? क्या बना रहे हैं, चपातियाँ? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे। मैं गई थी शाम को बड़े मामा जी के पास। बड़े मामा जी तो नहीं है, बड़े मामा जी के बेटे जो मेरे भैया वगैरह हैं, मामी वगैरह हैं, बड़ी मामी वगैरह, उनके पास गई थी। तो जो भैया हैं उनके बेटे का वैद्य था, हम लोग ने देखा होगा आगे वीडियो में। तो मेरे भैया के बेटे पार्थिव का पहला बर्थडे था, तो मैं वो गई थी, तो उसके लिए गई थी। तो उसके बाद रात को बर्थडे का केक को काटने के बाद खाना खुना खा के फिर हम आ गए थे, क्योंकि नीतिका भी आई थी। तो नीतिका और मेरे वापस आ गए थे और ये वाले मामा जी के पास। तो उसके बाद हम रात को सो गए, तो अभी जाके उठे हैं। तो अभी मैं बताती हूँ यहाँ नीतिका क्या कर रही है। नीतिका किचन में पता नहीं क्या कर रही है, देखते हैं क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो आप? मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट इतना बड़ा लोटी में क्या बना? देखो कितना बड़ा लोटी चढ़ा है, लोटी कढ़ाई, इतना बड़ा कढ़ाई चढ़ा है। सब्जी बना रही हूँ। सब्जी बना रहे हो आप? ओके ओके, सब्जी बना रही है नीतिका। और मामी जी वगैरह भी है बाहर, मैं थोड़ी देर में मिलाती हूँ आपको। मामा जी तो शायद गाय के पास चले गए अभी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों छोटी बना रही है ना रोटियाँ, और मैं मिलाते हैं आप लोग को मेरी नानी जी से। यहाँ पे देखो मेरी मामी जी, ये मेरी मामी जी। मामी जी क्या कर रहे हैं? ऊन काट रहे हैं। देखो मामी जी हाथ से कितना मेहनत कर रहे हैं मामी जी। किस लिए काट रहे हैं? ससुर है वो, नाने बोल रहे छोटी की शादी के लिए जो पट्टू बनाते हैं उसके लिए उनका आतर है। छोटी की शादी की तैयारियां हो रही है इसका मतलब। अच्छा, तो अब थोड़ी देर में हमने भी तैयार होके जाना है, क्योंकि हमारे ऑफिस आने का टाइम हो रहा है। तो मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में रेडी वेडी होके। अभी मामा जी ने ये गाय के पास गए, मैं मामा जी से मिलाती हूँ आप लोग को, जब आएंगे मामा जी। हम हो गए हैं रेडी, और नीतिका लगा रही है ब्रेकफास्ट। मामा जी ये मेरे मामा ये क्या हेलो ये मेरे मामा जी है। अब आप भी मामा क्या बता क्या मामा जी मादिनी मामा जी अभी आ गए हैं गाय के पास से, गाय को दूध निकाल दे, है ना मामा जी? आ गए थे आप गाय के पास दूध निकालने गए थे ना मामा जी? हाँ, ये मेरे मामा जी है। मैं थोड़े से चने रोस्ट किए, पता नहीं नीतिका मेरे पास से क्या क्या खिला रही है। क्या क्या खिला रही है नीतिका? आप देखना मामा जी को भी खिलाना मेरे पास। नहीं नहीं ले आओ, हां मुर्बे अच्छा ब्रेकफास्ट में बनाया है चने रोस्ट, गोभी की सब्जी, बंद गोभी की सब्जी, और साथ में चपाती, और साथ में दूध। ये देखो दूध, छोटे बच्चे क्या दूध पियो? क्यों छोटे बच्चे थोड़ी पीते हैं, बड़े बच्चे भी पीते हैं दूध। बड़े बच्चे भी पीते हैं दूध। ओके, तो चलो हम करते हैं टॉफी। ये सब पहन दिया है, ये बड़ा है पर मेरे को ये वाला देखो फिर ये बड़ा है, ये दूसरा तो बोलती हूँ फिर मैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। मुझे मेरी नानी ने दिया गिफ्ट में टोपी, देखो। थैंक यू सो मच नानी जी। क्या थैंक यू, धन्यवाद। नानी जा रही हूँ मैं फिर, बाय ना। ठीक है टाटा ना, बाय, फिर चलते हैं। अब फिर आना है ना? फिर आऊंगी, आपने आना ऊपर।
कोई बात नहीं, जब टाइम मिलेगा तब आना। तो अब दोस्त ये देखो दोस्तों, मुझे मेरी नानी जी ने दिया टोपी। छोटे मुझे टोपी मिला, मुझे तो टोपी मिला। मुझे देखो टोपी मिला। बड़े हैं ऑफिस के लिए और छुट्टी नहीं दिखा रही है, दौड़ दौड़ के। क्यों दौड़ रही है? इतना भी लेट नहीं हुआ जितना आप शोर मचा रहे हो, ठीक है? नितिका को लग रहा है हम बहुत लेट हो गए, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आप। तो अभी टाइम हो रहा है 3:15 का, तो मैं अभी आ रही हूँ घर। तो सुबह उसके बाद हम ऑफिस पहुँच गए थे, नितिका वगैरह हम लोग, दीदी वगैरह, तो ऑफिस पहुँच गए थे। तो ऑफिस में फिर काम होता है, आप लोगों को पता ही है, तो मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई। तो अभी मैं आ रही हूँ घर, तो आज मैं जल्दी छुट्टी लेके घर आ रही हूँ सर से, क्योंकि आज हमारा कश्मीर मेला है। तो कश्मीर मेला होता है हमारा, सारा का बहुत मशहूर मेला होता है कश्मीर मेला। तो मैं इस बार इसका वीडियो नहीं शूट कर पाई आप लोगों के लिए, वीडियो नहीं बना पाई उसके लिए, सो सॉरी, क्योंकि इस बार छुट्टी भी नहीं थी और फिर इस वजह ये सब इस करके मैं मेला भी नहीं गई और मैं वीडियो नहीं बना पाई। वैसे अब बहुत ज़्यादा मेला बुरों का या देवी जी बुरों का वीडियो बना अलाउ तो नहीं है, क्योंकि बंद किया है। हमारे देवी जी वीडियोज़ बुरों में नहीं बनाते हमारे देवी जी के वीडियोज़ वगैरह मेला बुरों का। तो मैं कुछ करके, तो अगली बार देखते हैं क्या बनता है। तो मैं कोशिश करूँगी अगली बार आप लोगों को कश्मीर मेला वाला वीडियो दिखाने की। तो कश्मीर मेला इसलिए हमारे को मंदिर में जाके खाना बनाना होता है, जो कश्मीर मेले से जो लोग वगैरह आते हैं, कारदार वगैरह सबके लिए, देवता जी आते हैं नीचे कश्मीर से, तो मंदिर में आते हैं तो उनके लिए खाना बनाना होता है। तो इस बार हमारा ड्यूटी है खाना बनाने का, तो इस बार हमारा ग्रुप है, तो इस वजह से हमारे को 3:00 जाना है मंदिर के लिए, बुलाया था 3:00, पर मैं तो थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो इसलिए मैं आ रही हूँ मंदिर जाने के लिए घर। तो दोस्तों बाकी ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।